स्मार्ट ऑनलाइन का साइन अप और उसकी खासियत जो जो है मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। ये गूगल प्ले स्टोर में जाके आप शाइन बाय ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन डालेंगे तो ये ऐप आ जाएगा। इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, साइन स्मार्टर बेटर फास्टर। सो इसमें आप लॉग इन करेंगे। मैं अभी लॉग इन कर लेता हूँ। पासवर्ड के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है आपको। ये डाल दिया मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन, देन इसको सबमिट करने से ये डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में आपको ये सारी डिटेल दिखाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स, आपका जो MTM है, DP होल्डिंग है, आपका बैलेंस कितना है, ऑर्डर्स पोजीशंस क्या क्या है, ये सब डैशबोर्ड में रहेगा जिसमें आप आई को क्लिक करके पता कर सकते हो। वन व्यू ऑफ योर MTM, DP होल्डिंग, वैल्यूएशन, लिमिट्स, मार्केट ऑर्डर स्टेटस एंड पोजीशंस, ये सब इसमें से दिखाएगा आपको। यहाँ बेल आइकन को दबाएंगे तो बेल में आपको आपका जो नोटिफिकेशन रहेगा वो दिखाएंगे। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी USD INR ये सारा क्या चल रहा है उसका स्टेटस आपको बताएगा। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड में आएंगे, ये डैशबोर्ड है जैसा हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम आप यहाँ पे जाके आपका मार्केट्स में जाने से आपको मार्केट का पूरा टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। इसमें मार्केट कैप, एडवांसेस, डिक्लाइंस, रनिंग मार्केट में आपको देखने से काफ़ी आइडिया आ जाएगा। नंबर ऑफ एडवांसेस डिक्लाइन, इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा ये किस तरह से जाने वाला है। तो सभी सेक्टर्स इंडेक्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक पूरा क्या उसका ये है, एडवांस डिक्लाइन, मार्केट कैप कितना है, सब कंप्लीट आप यहाँ पे इसको क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडाइसेस, जो उसका करंट पोजीशन क्या है और उसका नेट चेंज और परसेंटेज चेंज क्या है, इससे एक आपको आइडिया आ जाएगा ट्रेड सेटअप सिलेक्शन के लिए कौन सा सेक्टर आज प्लस में है, कौन सा सेक्टर माइनस में। तो ये एक अच्छा खूबी इस ऐप में है। देन टॉप मूवर्स में आपको टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स मिल जाएंगे, इससे आप टॉप लूजर्स टॉप गेनर्स में से कोई आपको ट्रेड सेटअप सिलेक्शन करने के लिए ईजी हो जाएगा। देन आपको टॉप वॉल्यूम गेनर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे आप ये यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट चाहिए तो डेरिवेटिव, जो भी आपको चाहिए डेरिवेटिव में गए, आपको डेरिवेटिव सेगमेंट आप सिलेक्ट किया तो उसमें जो हीट मैप यहाँ पे आपको दिखाएगा, तो इससे आपको काफ़ी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आइडिया मिल जाएगा। जस्ट आपको इक्विटी क्लिक करना है तो इक्विटी में आ जाएंगे आप। करेंसीज क्लिक करने से करेंसीज में आपको करेंसीज का हीट मैप मिल जाएगा इस प्रकार से। इक्विटी में आप जैसा ही करेंगे ऑल करेंगे तो ऑल हो जाएगा। निफ्टी 50 का आपको स्टेटस मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा खूबी इसमें है। देन यहाँ पे जाएंगे आपको कॉर्पोरेट एक्शन किस में क्या क्या हो रहा है वो डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगा। जैसे यहाँ कोल इंडिया का इंटरिम डिविडेंड 5.85 रुपीज़ पर शेयर, उसका रिकॉर्ड डेट है 25 मार्च 2019। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे। देन बल्क ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर का डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन, मार्केट स्टेटस अभी क्लोज है, एक्सचेंज मैसेजेस कुछ है, तो ये सारा स्टेटस ये मार्केट में मिल जाएगा। मार्केट का यहाँ पे आए में आपको गेट टॉप गेनर टॉप लूजर्स एंड टॉप वॉल्यूम इन सिलेक्टेड एक्सचेंज सेगमेंट। उसके बाद इसमें एक और ये है मार्केट में एनालिटिक्स करके हैं। इसमें ओपन हाई लो, ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो, ये स्ट्रेटेजी काफ़ी ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी है। या आप फिल्टर कर सकते हैं ओपन हाई ट्रेड सेटअप लेने के लिए, ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो, ये ट्रेड सेटअप आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ओपन इक्वल टू लो
इसमें ऐसे आप सिलेक्ट करके फिल्टर करके आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। इसमें आप फिर अलग अलग इसमें निफ्टी 50 में चाहिए आपको निफ्टी 50 का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं विप्रो, डॉक्टर रेड्डीज और हिंदाल को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में था, तो ओपन इक्वल टू लो के बाद सारे के सारे प्लस में ही क्लोज हुआ है, कोई भी नीचे डाउन साइड ब्रेक नहीं हुआ। सो ये ओपन इक्वल टू लो और ओपन इक्वल टू हाई ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम करता है और ये आपको इजीली बहुत आसानी से यहाँ पे रेडीमेड अवेलेबल है। और इसमें आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, आपको ऑटो सेक्टर चाहिए कोई भी सेक्टर में, सेक्टर वाइज आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन इक्वल टू लो किसी भी इसमें नहीं है, ओपन इक्वल टू हाई देखेंगे मदरसन सुमी, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, मारुति, एमआरएफ, देख सकते हैं आप सारे के सारे डाउन साइड में ही गए हैं मतलब क्लोज। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा फिल्टर है, इसमें इस फिल्टर को आप काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी है और ये एवरग्रीन स्ट्रेटजी ऑलवेज हिट है, तो इसको आप फॉलो करके इसमें से आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स को कंपेयर करके कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करके टॉप गेनर्स में जो है और उसका ओपन इक्वल टू लो है तो आप उसको सिलेक्ट करके ट्रेड ले सकते हैं 0.51% का रिटर्न्स के लिए इंट्राडे में। तो इंट्राडे के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है ये। देन आप अगेन एनालिटिक्स में जाइए, इसके बाद आपको एक और बेस्ट ये है इसमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको पिवट पॉइंट के बेस में आपको मिलता है, तो इसका बेनिफिट आपको होता है। दिस स्कैनर शोज बेस्ड ऑन पिवट ऑफ वेरियस डेज हाई लो एंड क्लोज प्रीवियस डेज हाई लो एंड क्लोज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऑफ द स्टॉक डिसीजन टू बाय और सेल एज वेल एज प्लेसिंग द स्टॉप लॉस शुड बी मेड बेस्ड ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। सो जनरली ये R1 तोड़ के पिवट से R1 गया, R1 रेजिस्टेंस जो है 1 है, उसको ब्रेक करने से आप रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 एज अ टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार पिवट से ब्रेक करके सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 ब्रेक करने से आपको सपोर्ट 3 का टारगेट मिलेगा। इसमें भी आप फिल्टरिंग कर सकते हैं ऑल निफ्टी 50, बहुत अच्छा फिल्टर रही है निफ्टी ऑटो, देन निफ्टी 100, इस प्रकार से आप फिल्टर कर सकते हैं। आपको जो डिटेल चाहिए पिवट पॉइंट से आपको जैसा ये चाहिए पिवट पॉइंट में जो है सपोर्ट 1 में कौन सा है उसको भी आप देख सकते हैं, सपोर्ट 2 में इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो आपको ये अच्छा फिल्टर है, यहाँ पे लाइव मार्केट में आप इसको चेक कर सकते हैं। देन अगेन हम एनालिटिक्स में गए, इसमें हाई लो ब्रेकर आपको ये ऑप्शन है, इसमें भी आप फिल्टर कर सकते हैं, इसका हाई लो देख सकते हैं। इसमें जो है दिस स्कैनर प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट हैव रीच द हाई और लो इन अ पर्टिकुलर टाइम लाइक 1 डे, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ और 52 वीक्स। इफ अ स्टॉक हैज रीच अ डे 1 मंथ एंड 52 वीक राइजिंग देन वन मे इन्फर दैट द ट्रेंड फॉर द स्टॉक इज बुलिश, सिमिलरली इफ द स्टॉक इज फॉलिंग इट इज बेयरिश ट्रेंड। तो इससे आप ये जज कर सकते हैं, ये भी अच्छा स्ट्रेटजी यहाँ पे दिया गया है। देन अगेन एनालिटिक्स में हम गए, यहाँ पे आप स्प्रेड्स लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए स्प्रेड बना सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या बोलता है देखिए। दिस स्कैनर शोज लिस्ट ऑफ स्टॉक्स विथ हाईएस्ट चेंज इन स्प्रेड बिटवीन कैश एंड नियर मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। A long spread will be a strategy to buy cash and sell future. Short spread strategy to buy future and sell cash. इस टाइप से ये रहता है, तो इस स्ट्रेटजी को आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खूबसूरत इसमें दिया गया है ये, जिसको आप लाइव मार्केट में स्कैन करके देख सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सर्च कर सकते हैं। देन अगेन हम मार्केट एनालिटिक्स में गए, सर्किट ब्रेकर्स किस में सर्किट अपर सर्किट लगा है लोअर सर्किट लगा है वो आपको देखने को मिलेगा।
This scanner shows the stocks that are hitting the upper and lower circuit for the day. A trader might take a bullish view or if the stock has hit an upper circuit and vice versa. ठीक है, ये एक आइडिया यहाँ से सर्किट ब्रेकर्स का है. देन आप देख सकते हैं स्ट्रांग वीक, यहाँ से आपको एक आइडिया आ जाएगा कौन से स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, कौन से में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है. ये बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड चेंज इन ओआई है, ओपन इंटरेस्ट. दिस स्कैनर डिटरमाइन स्टॉक्स अपसाइड और डाउनसाइड ट्रेंड बेस्ड ऑन प्राइस चेंज, वॉल्यूम चेंज एंड ओपन इंटरेस्ट चेंज. स्ट्रांग स्टॉक्स आर लाइकली टू राइज व्हाइल वीक स्टॉक्स लाइकली टू फॉल. ये स्ट्रेटेजी का ये है. जज डायल, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस, कैडिला, पिडिलाइट, ये देख सकते हैं. बर्जर पेंट, कालपोल, एम एफ एस एल, मारिको, हिंदुस्तान जिंक, एल एन टी एफ एच, हीरो मोटोकॉप, भारतीय एयरटेल, बी पी सी एल, हेवेल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इतना सारा जो स्टॉक्स हैं ये अभी करंटली बुलिश मोड में हैं. देन शॉर्ट के लिए देख सकते हैं अफेक्सावेयर, एम एंड एम, माइंडट्री, रिलायंस, रिलायंस इंफ्रा, जेन इरीगेशन. सो इस टाइप से आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, उससे आपको ट्रेडिंग डिसीजन के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ से आपको मिल जाएगा. स्ट्रांग वीक वॉल्यूम शॉकर, यहाँ पे कोई एबनॉर्मल वॉल्यूम ये हुआ है तो उसको आप देख सकते हैं. वॉल्यूम ब्रेकआउट विथ इंक्रीज इन प्राइस कुड मीन अ बुलिश ट्रेंड, सिमिलरली वॉल्यूम ब्रेकआउट विथ फॉल इन प्राइस माइट इंडिकेट अ बेयरिश ट्रेंड. दिस स्कैनर हैज़ टू कैटेगरीज, अनयूजुअल वॉल्यूम प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हुज डेज वॉल्यूम एक्सीडेड देयर एवरेज वॉल्यूम फॉर अ वीक और मंथ. वीकली और मंथ का एवरेज वॉल्यूम से ब्रेक करने से यहाँ पे शो हो जाएगा. देन पोटेंशियल वॉल्यूम प्रोवाइड स्टॉक हुज हावरली एवरेज वॉल्यूम एक्सीड देयर एवरेज, तो यहाँ पे हावरली एवरेज भी लेता है तो इसका आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा. यहाँ पे अनयूजुअल वॉल्यूम है, इसमें वीक देख सकते हैं, मंथ को फिल्टर करके आप देख सकते हैं. इसी प्रकार पोटेंशियल वॉल्यूम को भी आप फिल्टर करके देख सकते हैं और उसमें आप ऑल डाल सकते हैं, निफ्टी 50 जो सेक्टर आपको सेक्टर्स में चेक करना है तो ये इसमें आ जाएगा. उसके बाद है राइज एंड फॉल. सो राइज एंड फॉल में भी ये देख सकते हैं इसका जो स्कैनर में क्या होता है. दिस स्कैनर प्रोवाइड्स टू लिस्ट ऑफ स्टॉक्स व्हिच वॉल्यूम हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग फॉर द लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस. वॉल्यूम ऑफ प्राइस अप, द इंक्रीज इन वॉल्यूम अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट माइट इंडिकेट दैट द ट्रेडर्स आर बुलिश अबाउट द स्क्रिप्ट. वॉल्यूम ऑफ प्राइस डाउन, सिमिलरली इंक्रीज इन वॉल्यूम विथ डिक्रीज इन प्राइस कुड मीन देयर इज शॉर्ट ट्रेंड. सो ये आपको यहाँ से जज हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ प्राइस अप, या आप फिल्टर कर सकते हैं, या ऑल में से निफ्टी 50 को सिलेक्ट करेंगे तो हिंडाल्को का एक जो वॉल्यूम ये हुआ है तो उससे आप चार्ट में जाके चार्ट को भी चेक कर सकते हैं और इसमें पोजीशन आप लेने का एक डिसीजन ले सकते हैं. तो इसी प्रकार आप प्राइवेट बैंक निफ्टी में करूर वैसे बैंक में एक एबनॉर्मल वॉल्यूम आप है. निफ्टी 100 में देखिए तो इसमें कमिंस इंडिया है, आइडिया है, देन अपोलो हॉस्पिटल है, कॉन्कर है, सीमेंस है, लैंडमार्क, हिंडाल्को, बीएचएल. सो ऐसा आप फिल्टर करके देख सकते हैं, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा. उससे फिर आप चार्ट को चेक करिए और उसका जजमेंट करके आप ट्रेड सेटअप ले सकते हैं. इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ प्राइस डाउन, सो ये शॉर्ट ट्रेड सेटअप लेने के लिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा मोटा मोटी. तो इसमें निफ्टी 50 फिल्टर कर सकते हैं आप. ONGC, डॉक्टर रेड्डीज, कोल इंडिया, इंफ्राटेल, बजाज ऑटो, ये वॉल्यूम ऑफ प्राइस डाउन इंडिकेट कर रहे हैं. तो इसका आप जाके चार्ट चेक कर लीजिए, चार्ट क्या बोलता है. इसमें चार्ट में जाने से आपको चार्ट देखने को मिलेगा. ये देखिए यहाँ पे ONGC में एक्चुअली 1 मिनट में प्राइस राइज हुआ है. अब अभी हम इसको डेली चार्ट में देखते हैं. सो डेली चार्ट में ब्रेकडाउन है इसका. शूटिंग स्टार पहले दिन फॉर्म हुआ है, उसके बाद
रेड कैंडल बनाए और ये इवनिंग स्टार पैटर्न पे बनाए, तो ये एक अच्छा ट्रेड सेटअप, शॉर्ट से ट्रेड सेटअप अभी बन सकता है इसमें। और इसमें पॉसिबली आप 140 के आसपास टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 157 रुपीज़ का करंट मार्केट प्राइस में इसको सेल कर सकते हैं। तो ऐसे इस टाइप से जजमेंट आप ले सकते हैं। चार्ट में भी आपको ऑप्शंस है, जैसा आपको व्यू करना है कैंडल लाइन, लाइन चार्ट देखना है तो लाइन चार्ट आप देख सकते हैं। इसमें स्टडीज में आपको RSI डालना है तो RSI आप डाल सकते हैं, जो भी इंडिकेटर आपको डालना है उसको आप ऐड कर सकते हैं। सो ये स्टडीज में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो भी आपको इंडिकेटर डालना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया एनालिटिक्स में सभी स्कैनर हमने देख लिया। नेक्स्ट जो है उसको हम अगेन देखेंगे बाकी रेस्ट पार्ट।